आई एम 100% श्योर दैट आप इस गवर्नमेंट की इतनी अच्छी वेबसाइट के बारे में नहीं जानते होंगे। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप? आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेबसाइट जो कि CPGRM मतलब कि सेंट्रल प्रोग्रेस गवर्नमेंट, जो कि ग्रेवियंस पोर्टल है, सेंट्रलाइज पब्लिक मॉनिटरिंग सिस्टम। इस पोर्टल पर आप जो है किसी भी विभाग का जो है डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी तक आपका कंप्लेन पहुंचा सकते हो, भी लिखित रूप में। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे आके इस वेबसाइट का नाम डालना है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों ये आप जो यहाँ पर देख सकते हैं माई ग्रीवियंस का ऐप भी होता है, उस ऐप से भी आप जाके उनका कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि CPGRM पोर्टल आखिर है क्या। सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रेवियंस रजिस्टेंस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल टू द सिटीजन्स 24/7 टू बी लोडेड देयर ग्रीवियंस एंड पब्लिक अथॉरिटी ऑन एनी सब्जेक्ट रिलेटेड टू द सर्विस डिक्लाइन। मतलब कि ये आम जनता के लिए भारत सरकार द्वारा है। इसमें आप जो है अपना परेशानी, आपका कोई काम बैंक में नहीं कर रहा है, पोस्ट ऑफिस में नहीं कर रहा है, किसी भी हॉस्पिटल में नहीं कर रहा, कोई भी प्रॉब्लम हो सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, तो इस पे आप जो आप कंप्लेन कर सकते हो। तो सबसे पहले वेबसाइट पे आके आपको ओपन करना है। ओपन करते ही आपको अपने मोबाइल में डेस्कटॉप वर्जन खोलना है, जैसा कि मैं आपको खोल के दिखा दिया डेस्कटॉप वर्जन। डेस्कटॉप वर्जन से क्या होता है दोस्तों कि आपको जो है ये सारे जो एकदम क्लियर दिखाई देंगे, और जो ऐसा कंप्यूटर में ओपन होता है वैसा ही आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे, सिर्फ 3 स्टेप में आप जो है अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। इस वेबसाइट पे आके आप 3 रजिस्टर में अपन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, रजिस्टर का, ब्यूज कंप्लेंट स्टेटस का, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, कॉन्टेक्ट अस का भी है ऑप्शन यहाँ पर, जिस पर आपको जाना है उस पर आपको क्लिक कीजिए। सबसे पहले आपको ओपन करना है रजिस्ट्रेशन पे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो तो पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपने अपना अकाउंट पहले बना लिया है तो जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, उस पर आपको यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आपका लॉगिन कर लेना है। अगर आपने पहली बार इस वेबसाइट पे आ रहे हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पहले, क्योंकि रजिस्टर होंगे तो ही आप जो है कंप्लेंट कर सकते हो। तो रजिस्टर होने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आएँगे, साइनअप का बटन दिया है। जैसे साइनअप का बटन दिया है यहाँ पर, देखिए जैसे जाएंगे आप फॉरगेट पासवर्ड पर सब कुछ क्लिक करके यहाँ पे साइन अप पर क्लिक करेंगे। साइन अप पे इस जो फॉर्म खुला है आपके सामने, इस फॉर्म में पूरे डिटेल्स आपको नेम, एड्रेस, सरनेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका जो है कंप्लीट एड्रेस, जेंडर, सब कुछ डाल के आपको जो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल के फिल करना है। पूरे फॉर्म को आपको ध्यान से भरना है, एक भी जानकारी आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों मैं अपनी पूरी जानकारी जो कि पर्सनल जानकारी है, मैं उसको ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि मैं दिखा नहीं सकता। तो दोस्तों मैंने अपनी पूरी जानकारियाँ भर दिया है इसमें, तो चलिए मैं आपको पूरी जानकारियाँ भर दिया हूँ। अब मैं जो है जो भी मेरा है डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ पूछता है, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, स्टेट, सिटी, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ यहाँ पर आपको पूछना है, और सब कुछ आपको करेक्ट देना है अपना। सब कुछ होने के बाद आपको क्या करना है, पूरे फॉर्म को एक बार थरली चेक करना है कि आपके जो फॉर्म है वो आपका पूरा जानकारी सही है, मोबाइल नंबर सही है, आपका ईमेल आईडी सही है, क्योंकि आपका जो है कम्युनिकेशन एड्रेस, स्टेटस, सब कुछ जो आप इसी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से ही कर सकते हो। सब कुछ होने के बाद आपको पूरा फॉर्म एक बार चेक करने के बाद यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं सिक्योरिटी कोड जो कि यहाँ पर नीचे दिया हुआ होता है, इसको कैप्चा कोड भी बोलते हैं, उसको डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे कुछ टाइम आपको रुकने के लिए बोलेगा, फिर जैसे आपका हो जाएगा तो आपको हम ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगा। चलिए मैं आपको अपने ईमेल आईडी पे खोल के दिखाता हूँ कि कैसा वेरिफिकेशन लिंक आपके ईमेल आईडी पे आएगा। पहले आपको उसको अपना अकाउंट वेरीफाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपना ईमेल आईडी खोल के आपको दिखा चुका हूँ। इस ईमेल आईडी पे जो आपका नीचे लिंक दिया है उस लिंक पे क्लिक करके आपका जो है अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। फिर आपके मोबाइल, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया जाएगा। मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ गया दोस्तों, मैं अपना मोबाइल नंबर का ओटीपी यहाँ पर डाल देता हूँ, और जो सिक्योरिटी कोड है सिक्योरिटी कोड भी यहाँ डाल देता हूँ। ओटीपी और सिक्योरिटी कोड ये दोनों डालने के बाद
जैसे कि मैं डालूँगा ओटीपी कोड और यहाँ पर नीचे आके अगर आपका ओटीपी नहीं हुआ तो फिर से रजिस्टर करके आप कर सकते हो। मैं सबमिट कर दूँगा, जैसे ही मैं सबमिट करूँगा मैं सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाऊँगा। मेरा यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ बनाने के लिए बोलेगा। तीसरे स्टेप में आपको यहाँ बोलेगा कोई यूज़र नेम सेलेक्ट कीजिए, अपना पासवर्ड सेलेक्ट कीजिए, फिर सिक्योरिटी कोड डालिए। तो मैं अपना यूज़र नेम पासवर्ड बना चुका हूँ दोस्तों। अब मैं आपको डायरेक्ट लॉगिन करके दिखाऊंगा, फिर जो मैंने यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाया है वो आपको दिखा नहीं सकता मैंने अपना यूज़र आईडी पासवर्ड क्या बनाया है। मैं अपना यूज़र आईडी डाल के लॉगिन करूंगा। तो लॉगिन करने के लिए दोस्तों आपको फिर से उसी पेज पे आना है। उसी पेज पे आके आपको जो मैंने आपको दिखाया था लॉगिन रजिस्टर का, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन दिया है दोस्तों। अगर आपका बहुत सारे इशू होते हैं, जैसे कि आपको कोई किट, आपका कोई एड्रेस वड्रेस जो है मिनिस्टर से, मतलब कोई आपका गवर्नमेंट ऑफिसर का कंप्लेंट नहीं कर रहे, आपका कोई केस जो है कोर्ट में नहीं चल रहा, बहुत सारे ऐसा चीज़ है जो कि आपको यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे वो अभी जो है न्यू दो चीज़ नया ऐड हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं 23 अगस्त को यहाँ पे नई नई चीज़ हुई है। सबसे पहले हमको लॉगिन करना है, तो नीचे आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन रजिस्टर का जो है ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है लॉगिन और रजिस्टर का। तो इस पर क्लिक करेंगे आप, लॉगिन रजिस्टर का ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यूज़र लॉगिन आ जाएगा। यूज़र लॉगिन में जैसे आपका बनाया था आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड, वो यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डालना है और सिक्योरिटी कोड डालना है। ये तीनों डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों इसको भी मैं डेस्कटॉप वर्जन में कर लेता हूँ। दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रहे कि आप जो है लॉगिन जब पासवर्ड बनाओगे तो आपको डेस्कटॉप मोड पे नहीं कर रहा है, क्योंकि डेस्कटॉप मोड वो चलता नहीं है उतना अच्छे से। आपको मोबाइल मोड पे आके अपना जो है यूज़र आईडी रजिस्टर करना है, फिर उसके बाद जो है देखने के पर्पज़ से आपको डेस्कटॉप मोड करना है। तो जैसे आप लॉगिन करके आओगे यहाँ पे, आपको कुछ आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा, जिसमें आपको दिया है पेंशन ग्रेवियंस पोर्टल, बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं आपको, पेंशन ग्रेवियंस पोर्टल, रजिस्टर पोर्टल और कंप्लेंट पोर्टल, जिसमें से आपको थर्ड नंबर का आपको क्लिक करना है पब्लिक ग्रेवियंस कंप्लेंट पोर्टल। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चार ऑप्शन बताए जाएंगे जिसमें से आपको उसको फिलफिल करना पड़ेगा। चार ऑप्शन कौन से रहेंगे आपका, आपका केस जो है किसी कोर्ट में नहीं चलना चाहिए, आपका कोई रिलीजियस मैटर नहीं है और आपका जो कोर्ट है ये कंप्लेंट है किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर का कोई कंप्लेंट यहाँ पे नहीं लेते हैं, कोई उनको सजेशन ये सब नहीं लेते हैं। ये चार करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है, जो कि टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, जैसे कि आपने देखा उस पर क्लिक नहीं हो रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, कभी कभी डाउन चलती है, तो आप बार बार ट्राई करेंगे तो हो जाएगा आपका। और भी यहाँ पे ऑप्शन है, अगर आपके पेंशन में कुछ, अगर आप वृद्ध हैं, आपके जो किसी घर में पेंशन का नहीं आ रहा है, पेंशन का प्रॉब्लम कर रहा है कोई ऑफिसर, आपके पिताजी नाना का पेंशन नहीं दे रहा, तो आप वहाँ पे आके कंप्लेंट कर सकते हो कि पेंशन इनको नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जो है पेंशन ग्रीवेंस पोर्टल पर कंप्लेंट करके आप वहाँ पर कर सकते हैं। मैंने फिर से ट्राई किया दोस्तों, लेकिन फिर से नहीं हुआ। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी को शेयर करें ताकि वो जानकारी हो सके।